जानते हैं कि मोहब्बत करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, शादी को निभाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे को करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे साथ आज मौजूद हैं अदील जानी और उनकी मिसिज हैं मरियम, जो इन्होंने अभी रिसेंटली एक न्यू मतलब कोर्ट मैरिज की है अपनी, और ये एक लव मैरिज इन्होंने की है। और जो अदील जानी के जो फॉलोअर्स हैं वो तो जानते ही होंगे कि ये मतलब उनके एक्सेंट में इनकी जो ये टांगों से और बालों से मजबूर हो गए थे, लेकिन इनकी जो मिसिज हैं वो उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके साथ एक अच्छे तरीके से निभा रही हैं जिंदगी। और हम यहाँ दिन से बात की और आप भी सुनेगा आपके मतलब इनके जो फॉलोअर किया टिकटॉक पर, आप साइड पहले से थी टिकटॉक यूजर थी और नहीं मतलब जस्ट वीडियो से देखा करती थी, बनाती नहीं थी, तो इनसे किस तरह आपका कॉन्टेक्ट हुआ? फिर मैंने उनको पहले मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया था, फिर हमने एक दो मंथ बाद जाकर मुझे रिप्लाई करना स्टार्ट किया, तो फिर हम लोग के पास स्टार्ट हुए पहले फ्रेंडशिप, फिर फ्रेंडशिप से लगा। आपने रैंडम उनसे जस्ट कॉन्टेक्ट किया था फ्रेंडशिप के लिए? हाँ। और बाद में ऐसा ऐसा वो एक मतलब प्यार करता लगा, मतलब आपके साथ ये उसी तरह बिहेव करते थे या वो जिस तरह एक अपने आपको बंदा कहते हुए समझने लग सकता है कि मैं बस मैं उस तरह का एटीट्यूड था या मतलब नॉर्मल था? जब आपने इनकी वीडियोज वगैरह देखी तो आपको पता था कि ये इनकी ये कंडीशन है, ठीक है? लेकिन लोग जो हैं वो तो मतलब पैसा देखते हैं, शक्ल सूरत देखते हैं, फिर जाके कॉन्टेक्ट करते हैं कि हाँ भी इसके पास इतना पैसा ही है वो, कि टिकटॉक पे पी एच डी शो करवाई जा रही है तो आपने ये सब क्यों नहीं देखा और जैसे किसी को करके क्यों आपने अपनी लाइफ प्लान का बड़ा डिसीजन लिया? प्यार के लिए तो नहीं, उसके काफ़ी लोग प्यार के लिए करके देखते हैं कि प्यार भी उसे करो जिसके पास ये सब कुछ हो, तो प्यार तो मैंने तो बस प्यार देखा मैंने ये सब। लड़कियों में ये चीज़ भी होती है ना, लड़कों में भी होती है लेकिन लड़कियों में भी होती है कि वो फेम के लिए कि जी ये टिकटॉक है ये तो मतलब इस चीज़ को आगे तक भी होगा, इनके साथ ये होगा तो मुझे भी साथ साथ मिलता रहेगा, वो चीज़ भी नहीं है। मैं तो इनको खुद मना करती थी ये नहीं करें, तो फिर टिकटॉक ना बनाए बस कर जाए और स्टॉप कर दें ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, ये कह रहे थे नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप रहने दो। नहीं, आप वैसे नहीं हैं कहाँ से? लाहौर से। ठीक है, तो मतलब या कॉलेज वगैरह या गर्ल स्टूडेंट थी या मतलब इस टाइम कहीं हाउस? नहीं, ये फर्स्ट ईयर कर रही थी। मतलब ये एक अनोखा है कि ना कुछ ऐसा देखा गया ना कुछ रेगुलेशन ठीक बनाया गया आपका, आप मतलब आप सेटिस्फाई हैं इनके साथ, मुश्किल होती है या नहीं? नहीं, कोई मुश्किल कोई मतलब इस तरह का चेंज नहीं है कि जो आम मतलब नॉर्मल जो कपल में होता है ये सब कुछ, वो चेंज तो नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, डिफरेंस तो हो भाई, कुछ भी चेंज नहीं। मतलब देखा ना कि इनको आप इनको सहारे की ज़रूरत है सब कुछ है तो आपको सबने बिल्कुल एक मंथ हो गया हमारी शादी को, लेकिन मुझे आज तक जनरली बिल्कुल नहीं लगा कि ये नॉर्मल कपल से हम लोग अलग हैं, मुझे बिल्कुल वही फीलिंग जो नॉर्मल जो होते हैं बस वही फीलिंग, मुझे आज तक में नई डिफरेंस नहीं है। मैं आपकी फैमिली में तो थोड़ा इशू होगा ना कि ये इतना तो इतना, तो फैमिली को छोड़ के आप सेटिस्फाई हैं कि इनके साथ फैमिली के साथ है कॉन्टेक्ट वगैरह आपका कि नहीं? अभी मतलब सिस्टर के साथ से रखता है, वो खुद नहीं बुला रहे हैं, आपने इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं? इनके लिए छोड़ दिया थी तो, लेकिन अब वो लोग बात नहीं करना चाहते, तो मेरी बहन बात करती है, वो इनसे भी बात करती है, इनसे अब नॉर्मली मुझसे कम बात करते हैं सब, मेरा छोटा भाई और वो इनसे बात करते रहते हैं, मैं उनसे गुस्सा करती हूँ क्योंकि मुझसे बात कर लिया करो। पेरेंट्स नहीं कुछ कहते कि उनके साथ आपका है या सिस्टर को नहीं समझाते? नहीं, उसकी शादी हो कराची में, बहुत सारे उन्होंने भी आपको नहीं समझाया कि क्या देख रही हो मतलब मुश्किल होगी तो या कुछ इतना? नहीं, बाद में गुस्सा किया के साथ सबने कॉल कर दिए इनके नंबर पर, मुझसे गुस्सा किया इनके नंबर पर कॉल करके, इनके नंबर पर कॉल क्यों मतलब आपके नंबर पर क्यों किया? घर में मेरे सिम बंद थे ना, तो इनके नंबर पर सबने कॉल किया, बहन है मेरी तो मैं उसने इनको कॉल करके कहा, छोटी बहन ने इनको कॉल किया, तो बता रहे थे कि आप इस समय में जान से ले जाना था मैं आपको, लेकिन अब वो मेरे रीज़न मेरे भाई जा रहे हैं वैसे, तो आपने बिल्कुल ही वहाँ से कह दिया कि नहीं बाहर की दुनिया अपने देख ली सारी बस नहीं कोई बात नहीं, तो दाने में भी सीख लिखा हो तो मुझे शौक भी नहीं था बिल्कुल जाने का,
बच्चों की तरह समझते हैं, बड़े भाई की बुढ़ी जैसे भी बेटी को समझते हैं, ऐसे मुझे समझते हैं। केयर मिलती है सारा सब कुछ। आप इनके साथ खुश हैं, आप भी बताओ। जी खुश हूँ तो बैठे हूँ एक साथ। नहीं बहन की बात है, बैठना था गुलदारी को मैंने इतना बड़ा बड़ी कुर्बानी दी है, आपके लिए सब कुछ किया है, तो डिफरेंस नज़र आया अपनी लाइफ में? पहले जो केयर थी उसके बाद जो मतलब सब कुछ इतना हुआ, तो उसके बाद केयर मिली उनकी तरफ से या वही जो लड़कियों के सब कुछ होता है? नहीं केयर की तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं अपने काम जो होता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। तो फिर मुझे मना करती थी यार मेरे हाथ ले लिया करो, क्योंकि मुझे आदत नहीं, जो मैं काम खुद कर लेता मैं कहता किसी की क्यों हेल्प करूँ। सहारे की तो ज़रूरत होती होगी, तो आप इन कदम वगैरह से ले रहे हैं, तो आप इनकी भी हेल्प करते हैं इसी तरह? नहीं वो इसने तो वही काम करने जो बीवियाँ घर में रूटीन से सब करते हैं, ये भी वही काम करती हैं, जो मेरे खुद के काम वो मैंने खुद ही कर लिए। मतलब आपको सहारा लेने की जरूरत पड़े तो आप ले लेते हैं, अदरवाइज जी नहीं है इन्होंने। लाइफ में कुछ चेंज आए हैं? ये कि मैं पहले आवारा ठीक सैर सपाटा ठीक है, घर से जल्दी चले जाना और लेट नाइट घर आना ठीक है, तब ये है कि मुझे जल्दी आना पड़ता है, ये बस मुश्किल लगता है। मतलब आम जो बंदों वाली जिंदगी होती है वो मतलब हो गई है जी, जल्दी घर आना है, बीवी ने जवाब देना है। नॉर्मल रूटीन में तो ऐसे होता है ना कि लड़के जो होते हैं वो बड़ी बड़ी शादी से पहले बातें करते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं चांद सारे तोड़ता हूँ, ये कर दूँ, ये बातें होती हैं। आपकी जो बात की जिंदगी है ये वैसे ही है ना आपके साथ? क्या बात ही नहीं तो फिर क्या देखा, मतलब कि होता है ना, मतलब बातों में आ जाता है कि जी नहीं वो मेरे साथ इस तरह नहीं है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं नहीं, जो हर बार क्लियर कर देते हैं, बस क्लियर करते हैं, सीधी सीधी फॉरवर्ड, मतलब सीधी स्मॉल बात करनी, फॉरवर्ड हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वही बोलना है। कभी कभी तो मैं इनको दूसरों का तुम देती हूँ मुझकर, जो सबके मुँह पे क्लियर बोल देते हैं, मैं खुद कभी कभी कहती हूँ कि कोई गुस्सा कर जाएगा, लेकिन उन्होंने शादी से पहले भी मुझे क्लियर वर्ड में सब कुछ बात की, हाँ ये है तो ये है बस। ठीक है, आपके लिए भी कुछ चेंज आए हैं? मतलब लोगों को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, आपको जो पहले बातें की हुई थी वो अब पूरी हुई है कि नहीं हुई है? तो जो आपको कहा था हम ये करेंगे हम वो करेंगे होता है ना कपल्स में, हाँ पूरा हुआ है? कोई ऐसी मेमोरी जो पहले आप शेयर करना चाहें जो पहले हुई होती है, मतलब प्रपोज किसने किया था पहले, आपने या आपने आपने किया था, क्योंकि आपने थोड़ा सब कर दिया था। नहीं क्या था? नहीं ऐसे काफ़ी कॉन्टैक्ट आते थे, क्योंकि टिकटॉक पर मैंने नंबर दिया हुआ था, ऐसे हर किसी के साथ फ्रेंडशिप तो नहीं हो जाती, तो आस्ता आस्ता बातचीत करते रहे, तो फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, फिर हम दोनों ने लव मैरिज शादी करी और अब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से खुश हैं। किसने किसका प्रपोज किया था? मेरा क्वेश्चन मेन था, आप जवाब बोल दें। प्रपोज इन्होंने किया था पहले, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया फौरन? इन्होंने लव लिखा, मैंने कहा व्हाट, कहती इसका मतलब नहीं पता, मैंने कहा ऐसे तो काफ़ी मैसेज आते हैं, मैं किस किस को कहूँगा ठीक है जी मैं आपकी से बात करता हूँ, आपसे भी बात करता हूँ, क्योंकि किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो आपने आगे से क्या कहा? तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं मोहब्बत हो जाती किसी ने लव का, ठीक है इंसान कह रहा है वैसे ठीक है जी ओके मैं अभी आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत होने में टाइम अरसा गुजर जाता है, जब देर से मोहब्बत हो इंसान अगले को भी पता चल जाता है, बेशक वो पास ना हो इंसान को फीलिंग से पता चल जाता है, क्योंकि इंसान मेरे लिए अपने दिल में फीलिंग रखता है, इंसान को नज़र भी आ जाती है बातों से, इंसान देख तो चीर के दिखा नहीं देता कि ये देखो दिल में आपके लिए सब कुछ है, मगर ये कि अपनी ज़ुबान से इंसान को जाहिर करवाना पड़ता है और बातों से जीतना पड़ता है इंसान को। तो बाद में आपको कैसे फील हुआ कि हाँ जी ये है सही है मेरे
इंसान को वही कह रहा हूँ कि इंसान को बातों से ही पता चल जाता है कि इंसान के दिल में क्या है, तो वही बात दिल को खोल कर देखा नहीं जाता कि दिल में क्या था कि मैं सब कुछ छोड़ूंगी। तो मैं कहता रहा 5-6 साल वेट करें, 5-6 साल वेट करें, नहीं जी नहीं, बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बाहर चले जाऊँगा, फिर देख कहोगे ठीक है, फिर मुझे दोषी दोगे या आप मुझे पर बिलीव नहीं करोगे कि बाहर जाके मैं बदल जाऊँगी। तो फिर मैंने आस्ता आस्ता सोचते सोचते फिर हमने ये कदम उठा लिया और हमने लव मैरिज शादी की है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से खुश हैं। कितना टाइम पीरियड था जो आपका इस तरह चला है पहले, जो एक दूसरे को यकीन दिलाने में या शादी से पहले वाला? डेढ़ माह में एक दूसरे से हो गया प्यार? नहीं ये सच है, डेढ़ माह जी पौने तीन माह में ना शादी हो गई थी। उसी तरह मतलब जैसे नॉर्मल रूटीन में बाद में अगर कोर्ट में उसकी दी जाए तो उसी तरह प्यार प्यार करते सब कुछ मतलब अगर नॉर्मल रूटीन में जो फैमिली वाले नहीं रहते होते हैं ये वाले तो उसी तरह था प्यार प्यार करते उसी तरह कह रहे हैं कि जिस तरह आम रूटीन से शादियां होती हैं तो उसी तैयार श्यार हो गए नहीं है इनकी फैमिली की तरफ से भी आप सेटिस्फाई हैं शादी से पहले मिले थे कभी मतलब डेट शेट मारी थी नहीं नहीं एक दूसरे को देखा भी है ठीक है टिकटॉक पे आपने देखा पिक्चर्स तो शेयर की होंगी बात होती रहती वीडियो कॉल पे होती होगी तो वैसे भी तो यार इतने वो आए हुए हैं ड्यूटी के वो बंदा कर लेता है सारा फिल्टर शिल्टर डाल के भी तो लड़कियाँ कर ही देती हैं वो करते थे आप लोग इनकी तरफ क्या लगे नहीं जाहरी बात है ऐप की दुनिया तो आपको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि कितना इंसान है एक दूसरे का अपना फिल्टर डालना है वो कितना लगना है तो इस तरह का भी सीन था एक दूसरे को खुश करने के लिए होता ही होगा ना पीछे मतलब कोई डेट शेट नहीं मारे ये भी नहीं सब कैश मेरे मुंह पे देते थे ठीक है मैं कर लूंगा कोई बात नहीं चली जाऊ 5 साल लग जाए तो मुझे वहाँ के रिश्ता उन्होंने तब तक तो मेरे को बिलीव नहीं था करना सब मुझे कहते थे करने में बोलने में कहने में ये तो मुझे कहते ठीक है तो जा लेकिन दिल में सोचते होंगे कि ये चलेगी बस पे ख़त्म फिर इसने नहीं आना किसने भूल जाना है मेरे बारे में मतलब कहते भी थे कि भूल जाओगे नहीं कहते थे तू जा ठीक है तू जा चली जा तो मैंने तो ये बोला मैंने कहा मैं किसी बजे पे चले जाना आप घर वाले फोर्स कर रहे थे जाने के लिए जाओ 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 मतलब एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया ये नहीं किया कि दूसरे को उसी ढूंढे में ही रखा सब कुछ जैसे कि आप लोगों ने इस कपल को देखा ये एक हैप्पी कपल है कि शादी जो उनका जो असर मतलब होता है वो एक प्यार ही होता है एक दूसरे के साथ जब आप लोगों ने निभाना है तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस कपल में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को दिखाया है कि उन्होंने प्रपोज भी उसी तरह किया लेकिन पिक्चर्स भी उसी तरह एक दूसरे को देख दिखा कर सब कुछ किया फैमिली भी खुश है वो अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह उनको डील करें मुझे एक अच्छा कपल लगा इन दोनों को देख के उन सबको मैंने जिस तरह अपना बताया है अल्लाह पाक इनको खुश रखें जिस तरह इनकी जो जो इनका प्यार है वो सब कुछ उसी तरह बरकरार रहना चाहिए और हमारी भी ये दुआ है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से उसको इंजॉय करें और अल्लाह पाक इनको खुश रखें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल टेक केयर अल्लाह हाफिज़।